नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज हम जिस मैच के बात करने जा रहे हैं वह दिल्ली कैपिटल वर्सेस किंग्स इलेवन पंजाब के बीच में होने वाला आईपीएल 2019 का 37th मैच, जो कि खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल के होम ग्राउंड यानी दिल्ली में मैच खेला जाएगा। और इन दोनों टीमों के इस आईपीएल सीजन के पास्ट परफॉर्मेंस की सबसे पहले हम बात करते हैं। तो सबसे पहले दिल्ली के बारे में बात करते हैं दोस्तों। दिल्ली अभी तक 9 मैच खेली है, उसमें से 5 मैच जीती और 4 मैच हारी है। वहीं बात करें तो किंग्स इलेवन पंजाब की, तो किंग्स इलेवन पंजाब तो अभी तक 9 मैच खेली है, 5 मैच जीती और 4 मैच हारी है। लेकिन इनकी अगर बात करें दोस्तों पॉइंट टेबल की, तो ज़्यादा फर्क नहीं है एक पॉइंट से। वह इनके रन रेट के हिसाब से आगे पीछे हैं। दिल्ली की बात, दिल्ली तीसरे नंबर पर दोस्तों और किंग्स इलेवन पंजाब है चौथे नंबर पर। तो ये मैच डिसाइड करेगा कौन ऊपर जाएगा और कौन नीचे जाएगा। तो दोस्तों अगर सबसे पहले आपको इनके पिच के बारे में बता दो, दिल्ली की पिच दोस्तों लो स्कोरर होने वाला है, यानी बैट्समैन के लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगा, बॉलर्स के लिए फायदेमंद होने वाला है ये पिच। अगर आप सोच रहे हैं वीडियो स्किप करने की दोस्तों, तो सबसे पहले बता दो कि मेरा जो मेन काम है आपको हर एक प्लेयर के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। अगर आप वीडियो स्किप करते हो तो अपने रिस्क पे करना, क्योंकि इसमें आपका ही नुकसान होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए। दोस्तों अगर आप सुबह सुबह उठ के आपको चाहिए पॉजिटिव थॉट, तो हमारा जो ऐप है साइकोलॉजी फैक्ट, उसमें आपको तरह तरह के सक्सेस से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, माइंडसेट से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड आपको क्विट्स मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक लिखा हूँ, वहाँ पे जाइए, प्ले स्टोर में आपको ले जाइए, बिल्कुल सेफ है। डाउनलोड कीजिए और रोज़ एक नया नया पॉजिटिव थॉट अपने दिमाग में डालिए। तो बात करें विकेट कीपर की, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे दोस्तों। एक तो दिखा देता हूँ आपको, ए बसिन हटो, सिमरन सिंह हटा दो, सॉरी ये 5 है। निकोलस पुरन की बात करें तो किंग्स इलेवन पंजाब ने पहले मैच में निकोलस पुरन को एज ए विकेट कीपर खिलाया, 5 रन उन्होंने बनाए। अब बात करते हैं केएल राहुल और ऋषभ पंत की, तो केएल राहुल आपको ओपनिंग करते हुए दे देंगे इस आईपीएल सीजन में। अगर केएल राहुल की बात करें, कंसिस्टेंसी बहुत बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी कंसिस्टेंसी खेल रहे हैं दोस्तों। अब ऋषभ पंत की बात करें तो ऋषभ पंत कंसिस्टेंसी है, लेकिन इनकी जो बैटिंग है 5 नंबर बैटिंग करने आते हैं दोस्तों, पहले मैच 7 नंबर में। केएल राहुल की बात करिए, आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे केएल राहुल दोस्तों, बेस्ट हेड टू एफ समो लीग के लिए। लेकिन ग्रैंड लीग की बात करो, ऋषभ पंत को आप ट्राई कर लेना ग्रैंड लीग के लिए, ऋषभ पंत बेस्ट ऑप्शन है ग्रैंड लीग के लिए। लेकिन क्योंकि बहुत से लोगों ने केएल राहुल को ही लिया होगा, ऋषभ पंत को बहुत कम लोगों ने लिया। एक बार दिखा दो तो 75% लिया है दोस्तों केएल राहुल को। बैटिंग की बात करें, बैटिंग में दोस्तों नो डाउट यूनिवर्सल यो मैन क्रिस गेल, जिन्होंने पहले मैच में 30 रन बनाए दोस्तों। ये आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे केएल राहुल के साथ। शिखर धवन दोस्तों आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे दिल्ली के टीम के लिए, पृथ्वी शाह के साथ पहले मैच उन्होंने 35 रन बनाए थे। इसके बाद बात करते हुए डेविड मिलर की, जो कि आपको किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से खेलते हुए दिखाई देंगे चौथे नंबर पर, पहले मैच उन्होंने 40 रन बनाए थे। मयंक अग्रवाल दोस्तों किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से आपको खेलते हुए दिखा, बहुत ही कंसिस्टेंट प्लेयर, 30 नंबर बैटिंग करने आते हैं, पहले मैच में उन्होंने 26 रन बनाए थे। कोलिन मुनरो दोस्तों अगर बात करें तो दिल्ली कैपिटल की तरफ से खेलते हैं कोलिन मुनरो, लेकिन जो स्पिनर फ्रेंडली पिच होती है उसमें इनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहता। तो कोलिन इंग्राम वापस आ चुके हैं, को कोलिन इंग्राम को खिला सकते हैं कोलिन मुनरो की जगह पे, ये बात ध्यान में रख लेना। सिरे दोस्तों दिल्ली कैपिटल के कैप्टन भी है, ये आपको खेलते हुए दिखाई देंगे चौथे नंबर बैटिंग करते हुए दिखा देंगे, पहले मैच में 3 रन बनाए सिर्फ। इसका बात करते हैं दोस्तों करुण नायर की, करुण नायर को दोस्तों मौका नहीं मिलेगा, ये नहीं खेलेंगे, एक मैच भी खिलाएगा उसके बाद इनको नहीं खिलाएगा। सरफराज खान दोस्तों किंग्स इलेवन पंजाब की बात करें तो किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से पहले मैच में नहीं खिलाए गए थे। अगर कारण की बात करें, कारण कुछ नहीं था इस मैच में इनको खिलाया जा सकता तो निकोलस पुरन की जगह पर। कोलिन इंग्राम दोस्तों अगर दिल्ली कैपिटल के बारे में बात करें तो कोलिन इंग्राम इस मैच आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं इन प्लेस ऑफ कोनिल मुनरो। पृथ्वी शाह दोस्तों दिल्ली कैपिटल तरफ से आपको खेलते हुए दिखा देंगे, ओपनिंग करते हुए दिखा देंगे, पहले मैच उन्होंने 20 रन बनाए थे। मनजीत सिंह को दोस्तों पता नहीं किंग्स इलेवन में क्यों खिलाई जा रही है, बार बार इनको खिलाई जा रही, लेकिन अगर इनके परफॉर्मेंस की बात करें कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है मनदीप सिंह का। अनुमा बिहारी दोस्तों इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके, लेकिन इनको अभी तक मौका नहीं मिला, एक ही मैच मौका मिला था जिसमें भी इन्होंने कुछ खास नहीं कर पाया था। एम कल्ला दोस्तों नहीं खेलेंगे और सरन रदरफोर्ड भी नहीं खेलेंगे। अब बात करो ऑलराउंड सेक्शन को, ऑलराउंड सेक्शन मैंने सेलेक्टेड रविंद्र अश्विन को, जो कि किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, कैप्टन भी है किंग्स इलेवन पंजाब के। पहले मैच में उन्होंने 17 रन बनाए थे दोस्तों और 2 विकेट भी झटके थे। और ये जो पिच है वो बैटिंग फ्रेंडली नहीं होने वाली है, बॉलर फ्रेंडली होने वाली, तो बॉलर सोच समझ के लेना
क्रिस मॉरिस की बात करें, दिल्ली कैपिटल की तरफ से खेलते हैं दोस्तों क्रिस मॉरिस। लेकिन क्रिस मॉरिस और कीमो पोल में से दोस्तों अगर बात करें तो एक कीमो पोल और क्रिस मॉरिस में से एक इस मैच में बाहर बिठाया जा सकता है और इसके स्थान पर संदीप लाठीमाने को मौका मिल सकता है, क्योंकि जो पिच है स्पिनर्स के लिए ज़्यादा फायदेमंद होने वाली। एम हैंडिकेप का दोस्तों अगर बात करें किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से तो मौका मिल सकता है, क्योंकि मुजीबुर रहमान है, जो आपको दिखा देता हूँ नीचे जब चल जाऊँगा बॉलिंग सेक्शन में आपको मिलेंगे, उनकी जगह पर एम हैंड्रिक्स को मौका मिल सकता है। एम हैंड्रिक्स एक वरुण चक्रवर्ती है, सैम ग्रोन का दोस्तों खेलना मुश्किल है। अक्षर पटेल दोस्तों दिल्ली कैपिटल की तरफ से आपको खेलते हुए दिखा देंगे, पहले मैच में छठे नंबर बैटिंग करने आते, 26 इन्होंने रन बनाए थे दोस्तों, और इनकी अगर विकेट कीपिंग की बात करें एक विकेट उन्होंने झटका था। जले सेक्शन है दोस्तों नहीं खेलेंगे, राहुल तिवतिया नहीं खेलेंगे, आज बरार भी नहीं खेलेंगे। और बात कर बोलिंग सेक्शन जो काशी गोराबाट है दोस्तों, नो डाउट हर मैच में विकेट ले रहे हैं, ताबड़तोड़ विकेट ले रहे हैं, पहले मैच में उन्होंने दो विकेट लिए थे। और बात करें तो मोहम्मद शमी की, तो मोहम्मद शमी आपको किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से खेलते हुए दिखाई देंगे, पहले मैच की बात करें पहले मैच में उन्होंने दो विकेट लिए थे, ये भी फॉर्म में वापस आ रहे धीरे धीरे। एच विजुलन की बात करें किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से, पिछले मैच में दोस्तों नहीं खिलाए गए थे, इस मैच में मेरे को नहीं लगता कि इनको खिलाया जाएगा, क्योंकि पिछले मैच में परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहा था। बाकी इनके स्थान पर जिसको खिलाया गया था अक्षदीप सिंह को। एंड्रयू टायर दोस्तों किंग्स इलेवन की बात करें तो इस मैच में मेरे को थोड़ा मुश्किल लगता है खिलाना, मुझे बोल रहे दोस्तों नहीं खेलेंगे। ईशांत शर्मा की बात करें दिल्ली कैपिटल की तरफ से आपको इस मैच में खेलते हुए दिखाई देंगे डेफिनेटली। अमित मिश्रा भी दोस्तों दिल्ली कैपिटल खेलते हुए दिखाई देंगे, टेंट बॉल दोस्तों नहीं खेलेंगे। संदीप लाठीमाने दोस्तों खेलते हुए दिखाई देंगे। शेर राजपूत की बात करें तो पहले जो मैच था इसका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहा था, लेकिन उसके बाद कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा, तो इसलिए इनको बाहर कर दिया गया, इस मैच में बाहर खेल कर दिए गए हैं। मुरुगन नजमे दोस्तों किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से खेलते हैं और इस मैच में आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, पहले मैच की बात करें पहले मैच में उन्होंने एक विकेट ही लिया था। वरुण चक्रवर्ती दोस्तों इस मैच में आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। डी नलकंडे दोस्तों नहीं खेलेंगे। सुधीर सिंह इस मैच में भी आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, पहले मैच में उन्होंने दो विकेट लिए थे। एक खान दोस्तों नहीं खेलेंगे, जय सुचित भी नहीं खेलेंगे, नत्थू सिंह भी नहीं खेलेंगे, कीमो पोल और आपको बता दें कीमो पोल मेरे को लगता है कि इस मैच में आप खेलते हुए दिखाई देते, क्रिस मॉरिस बाहर बिठा देंगे, कीमो पोल इस मैच में डेफिनेटली खेलते हुए दिखाई देंगे। के एच दोस्तों नहीं खेलेंगे, बी आई अपा भी नहीं खेलेंगे। अब बात करें तो कैप्टन वाइस कैप्टन, कैप्टन मैंने सेलेक्ट किया दोस्तों के आर राहुल को, और वाइस कैप्टन की बात करें वाइस कैप्टन मैंने सेलेक्ट किया है शिखर धवन को। इसके अलावा चॉइस दोस्तों आप क्रिस गेल को भी सिलेक्ट कर सकते हो, आपके मयंक अग्रवाल जो कि कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस रहता है इनका, पृथ्वी शाह दोस्तों, रविचंद अश्विन। बॉलर को लेना चाहते हो, अगर बॉलर को आप लेते हो तो आपका ये रिस्क फैक्टर हो सकता है, अगर बॉलर को कैप्टन वाइस कैप्टन लेते हैं तो ये रिस्क लेने जैसा होगा, लेना चाहते हो ले लो नो डाउट, क्योंकि अगर बात करें पिच की आपको बता दिया कि लो स्कोर पिच होने वाला है, इस कारण बॉलर को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, बेफिक्र हो गए नो डाउट। अब बात करते हैं दोस्तों टीम रिव्यू की, तो सर चलो टीम रिव्यू की बात करते हैं। हमारे पास हो गए के एल राहुल हो गए दोस्तों, क्रिस गेल हो गए, शिखर धवन हो गए, मयंक अग्रवाल हो गए, पृथ्वी शाह हो गए, आर अश्विन हो गए दोस्तों, अक्षर पटेल हो गए। अगर आप बात करते हो बॉलिंग सेक्शन की तो हमारे पास हो गए कैसी गोराबाट हो गए, मोहम्मद शमी हो गए, संदीप लाठीमाने हो गए, मुरुगन अश्विन हो गए। तो ये थी दोस्तों टीम। अगर आपको इसमें से कुछ चेंजेस कराना, आपको बता देता हूँ अगर आप इनमें से चेंजेस कराना चाहते हो ग्रैंड लीग के लिए, तो मैंने वैसे तो आपको बता दिया है हर एक स्क्वायर में, तो आपको ये इसके जगह पे आप ऋषभ पंत को सिलेक्ट कर सकते हो दोस्तों। क्रिस गेल कई मैच में चले, किसी मैच में नहीं चलते, इनको सिलेक्ट कर सकते हो दोस्तों। और मयंक अग्रवाल की जगह आप कोलिन मुंडो को, नहीं कोलिन मुंडो को सॉरी शिखर को सिलेक्ट करते हो। अगर ऑलराउंड सेक्शन की बात करें, ऑलराउंड सेक्शन रहने दो, बॉलिंग सेक्शन की बात करें, बॉलिंग सेक्शन में दोस्तों मोहम्मद शमी की जगह पर आप सिलेक्ट कर सकते हो ए सिंह, जिन्हें पहले मैच में दो विकेट लिए थे। तो आपके पास अगर कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो कैप्टन में अगर आप लेना चाहते हो शरीर शरीर को दोस्तों कैप्टन ले सकते हो, और वाइस कैप्टन की बात करें तो डेविड मिलर को वाइस कैप्टन में सेलेक्ट कर दिया, भाई कैप्टन में शिखर धवन को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर दोस्तों बैटिंग में देख लें, जिसकी पहले बैटिंग आती है या फिर बॉलिंग आती है उसके हिसाब से कैप्टन वाइस कैप्टन सेलेक्ट करें, क्योंकि अब तो आप टीम इलेवन में टॉस के बाद ही अपने प्लेयर को चेंज कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एंड ऑल द बेस्ट फॉर द मैच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन बटन। अगर आपको सी सी प्लस प्लस एंड्रॉइड से रिलेटेड, इथिकल हैकिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारा दूसरा चैनल है जो गैंग्स ऑफ कोडर, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वेब डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या फिर लोगो डिजाइनिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारा एक और चैनल है एसपी डिजाइनर, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर सर अब बता दें सुबह सुबह अगर आपको पॉजिटिव थॉट चाहिए तो हमारा ऐप है जो साइकोलॉजी फैक्ट, डिस्क्रिप्शन में लिंक लिखा हुआ है दोस्तों, उसको
डाउनलोड करना ना भूले, आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एंड ऑल द बेस्ट फॉर द मैच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्लिक ऑन द बेल के बटन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।